सौरमंडल की सबसे मशहूर छल्लेदार दुनिया की खोज में सूर्य से 90 करोड़ मील के दायरे में आ चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। दोस्तों, आपको थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि आज हम आपको दिन में तारे दिखाने वाले हैं। सॉरी, दिल्ली में तारे दिखाने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, दिल्ली में तारे, क्योंकि दिल्ली में इतना पोल्यूशन होता है कि रात को तारे कम ही दिखाई देते हैं। तो हमें तारे देखने के लिए तारा मंडल यानी कि नेहरू प्लैनेटोरियम आना पड़ा। ये नेहरू प्लैनेटोरियम तीन मूर्ति मार्ग पर है। यहाँ पर आने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन लोक कल्याण मार्ग है, और अगर आप बस से आना चाहते हैं तो तीन मूर्ति बस स्टॉप यहाँ का सबसे नजदीक बस स्टॉप है। और अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो गेट के सामने ही आपको पार्किंग मिल जाएगी, जो कि फ्री है। चलो भाई, हम तो पहुंच गए तारामंडल। चलिए आपको अंदर का नजारा दिखाते हैं। एंटर करते ही हमने देखा ये तारामंडल हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ है। सामने ही टिकट काउंटर बना है, तो मेरे हस्बैंड गए हैं टिकट लेने के लिए। वो जो सामने कैप में आपको दिखाई दे रहे हैं वो मेरे हस्बैंड हैं, और वो टिकट ले रहे हैं। यहाँ पे ये लोग कैश एक्सेप्ट नहीं करते हैं, शायद कोविड की वजह से इन्होंने ये बंद कर दिया है। ये लोग सिर्फ पेटीएम या कार्ड पेमेंट ही एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पर जो शो होता है वो दिन में 4 बार होता है। सुबह 11:30 बजे इंग्लिश में शो होता है, 1:30 बजे हिंदी में, 3 बजे इंग्लिश में, और 4 बजे फिर से हिंदी में शो होता है। और जो शो होता है वो मिनिमम 40 मिनट का होता है। जैसे हम एंटर करते हैं तो लेफ्ट साइड में डोम थिएटर है और राइट साइड में म्यूजियम बना रखा है। हम जब यहाँ पहुंचे तो 1:30 बज रहा था, तो हमें हिंदी वाला शो मिला, तो हमने यहाँ पे हिंदी वाला शो देखा। थिएटर में अंदर जाते ही ऊपर की ओर गोल स्क्रीन है, नीचे चेयर लगी हुई है, और बीच में एक हाइब्रिड प्रोजेक्टर लगा हुआ है जिसे 2010 में लगाया गया था। यहाँ पर शो में अल्टीमेट यूनिवर्स, न्यू सोलर सिस्टम और अंतरिक्ष यात्री के बारे में बताते हैं, और साथ ही आकाश के रहस्यों के बारे में बताते हैं। ये झल्ले ठोस नहीं है बल्कि बर्फ और बर्फ से ढकी चट्टानों के करोड़ों टुकड़ों से बने हैं, जो कंकड़ों से लेकर चट्टानों जितने बड़े हैं। हर छल्ला एक नन्हे चंद्रमा जैसा है। उनकी चमक से अंदाजा होता है कि उनकी उम्र अभी बहुत कम है, शायद किसी प्रलयकारी घटना का नतीजा। मसलन ऐसे चंद्रमा का विखंडन जो शनि के बहुत नजदीक जा पहुंचा और उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण टुकड़े टुकड़े हो गया। यहाँ पर आपको सूर्य, चंद्रमा, सितारों और ग्रहों की नजदीक की झलक देखने को मिलेगी। ये टोटल 40 मिनट का शो होता है, लेकिन हम लोग जब आए तो हमारा तो 10 मिनट का शो छूट गया था, तो हमने तो सिर्फ 30 मिनट का ही शो देखा। काफ़ी अंधेरा था वहाँ पे, तो उतना क्लियर नहीं आया होगा, लेकिन आवाज़ सुन के आप आइडिया लगा सकते हैं कि शो में क्या क्या जानकारी दी जाती है, क्या क्या यूनिवर्स के बारे में बताया जाता है। हमें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, काफ़ी सारी नई नई जानकारियाँ दी उन्होंने वहाँ पे, तो अच्छा शो है काफ़ी। अंदर जो शो चल रहा था उसका बिल्कुल 3D इफेक्ट है, जो चांद, सितारे, सूरज और ब्रह्मांड के बारे में जो दिखाया जा रहा था, हमें तो मतलब ऐसा देख के लग रहा था कि वो सब हमारे ऊपर ही आ रहा है। शो की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। चलिए अब आपको नेहरू प्लैनेटोरियम की हिस्ट्री के बारे में कुछ बताते हैं। ये जो प्लैनेटोरियम है, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आधिकारिक निवास था, और अब उनकी स्मृति में एक संग्रहालय बन गया है। 1964 में जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड की स्थापना उनके विचारों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, और बाद में इसमें नेहरू तारामंडल का निर्माण कराया गया। नेहरू तारामंडल में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी का एक विंग भी है। दिल्ली का नेहरू तारामंडल भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखे गए 5 तारामंडलों में से एक है। चलिए आपको अब ये भी बता देते हैं कि 5 नेहरू तारामंडल कहाँ कहाँ हैं। 5 नेहरू तारामंडल दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलोर और इलाहाबाद में स्थित है।
फ्रेंड्स चलिए अब आपको म्यूजियम में ले चलते हैं। Why the night sky is dark? रात काली क्यों दिखाई देती है? इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। Seeing is believing, और उसके बारे में यहाँ नीचे डिटेल दी हुई है। Weighing the universe, उसके बारे में डिटेल्स दी हुई हैं। और यहाँ पे ग्रेविटेशनल लेंस एक रखा हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स में बताया गया है। डॉपलर इफेक्ट, उसका यहाँ पे मॉडल बनाया गया है। यहाँ पे लूनार कैलेंडर का भी सैंपल दे रखा है। कुछ भी यहाँ पे चीजें आपको टच नहीं करनी है, सब दूर से ही देखना है। एंशियंट एंड मेडिवल इंडियन एस्ट्रोनॉमी, इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पे ये जंतर मंतर, पुराने जमाने में लोग कैसे टाइम देखते थे, कैसे समय का पता लगाते थे, चार पहर को वो कैसे डिवाइड करते थे, इसके बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है। ये है मिश्र यंत्र, जिसे लोग जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। ये दिल्ली का एक अनोखा यंत्र है, जिसे जय सिंह, जो कि आमेर के महाराजा थे, उन्होंने बनवाया था। उन्होंने ऐसे यंत्र 5 जगह बनवाए हैं, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा। ये 5 यंत्रों से मिलकर बना है, इसलिए इसे मिश्र यंत्र बोलते हैं। यहाँ पे बाकी यंत्र जिनसे समय देखा जाता था, उसके मॉडल भी बने हुए हैं। यहाँ पर गैलीलियो के आविष्कार के बारे में भी बताया गया है। और साइड में ये उनके आविष्कारों का पूरा डिटेल लिखा हुआ है, इसे पढ़ के आप पता लगा सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या आविष्कार किए थे। गैलीलियो ने कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस का आविष्कार किया था। उन्होंने ही ये पता लगाया था कि लेंस के जरिए हम किसी भी आकृति को 3 गुना बड़ा या छोटा करके देख सकते हैं। यहाँ पे उसकी पिक्चर्स भी बनाई हुई है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस कैसे काम करता है। यहाँ पे म्यूजियम के लास्ट में स्पेस सूट रखे हुए हैं, और पीछे हमारे 3 भारतीय जो कि स्पेस में गए थे, उनकी फोटो बनी हुई है। तो ये था पूरा म्यूजियम, हमने तो पूरा म्यूजियम देख लिया है। होप कि आपने भी हमारे साथ म्यूजियम देख लिया होगा। अब हम बाहर जाते हैं। अच्छा, ये सब बंद है। सब बंद है, सिर्फ ये शो स्टार्ट था। हम जब भी आते हैं, हमें कभी ये बंद मिलता है, कभी वो बंद, कुछ ना कुछ बंद ही मिलता है। बाहर यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा रॉकेट है गेट के पास ही। तो ये था पूरा नेहरू तारामंडल। होप कि आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया है, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। टाटा, बाय बाय।